जहां पेपर लीक होता है वहां बीजेपी का कॉलेज सामने आता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला। मोदी जी, पेपर लीक के खिलाफ कितने भी कानून बनाए, कितनी भी भाषण करे, परिभाषा दिखाए, पर जहां पेपर लीक होता है वहां बीजेपी का कॉलेज आता है, एबीवीपी के कार्यकर्ता आते हैं, एबीवीपी के से निकले हुए प्रोफेसर और कुलपति सामने आते हैं। जहां घटनाएं घटती है सारी संस्थाओं में, वो चाहे यूपीएससी की बात हो, चाहे पीएससी की बात हो, चाहे अभी ये नेट और नीट की बात हो, सब जगह आरएसएस और बीजेपी से प्रभावित उनके कार्यकर्ता के रूप में लोग बैठे हैं और फिर वहीं से पेपर लीक होता है। नेता पकड़े जाते हैं पेपर लीक में तो बीजेपी के, कार्यकर्ता पकड़े जाते हैं पेपर लीक में तो बीजेपी के। अगर हर तरीके से बीजेपी से प्रभावित पालित पोषित लोग ही इसके पीछे आते हैं, यानी बीजेपी ये करवाती है। कानून बनाने से क्या होगा? अपने लोगों को आप सबक नहीं सिखा सकते हो, हटा नहीं सकते हो, सजा नहीं दे सकते हो, आप ही की नीयत में खोट हो। कानून बना के देश को गुमराह करना चाहते हैं क्या? धार में महिला के साथ मारपीट हुई, वीडियो भी आया है, ये वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश बहनों के साथ जितना अत्याचार दुराचार होता है विश्व में कहीं नहीं होता, देश में नहीं, विश्व में। 17 बहनों की रोज अस्मत लूटी जाती है। जो धार का वीडियो है बड़ा मार्मिक है, ऐसा वीडियो लगातार कई वीडियो ऐसे प्रभावित तालिबानी तरीके से महिलाओं को पीटते हुए आते हैं। 3000 रूपये खा गई है सरकार बहनों के। कहा था चुनाव बाद 3000 करेंगे लाडली बहना के, वोट ले लिए, दो दो बार ले लिए, और उस पैसे पे हलक पे एक शब्द नहीं निकलता है। अभी आज अखबारों की सुर्खियां हैं कि करोड़ों की गाड़ियां खरीदी जा रही है मंत्रियों के लिए। थोड़े दिन पहले सुर्खियां थी कि मंत्रियों के बंगलों की सजावट के लिए करोड़ों रूपये लगा दिए गए। थोड़े दिन पहले और थी कि करोड़ों 100 करोड़ से ज्यादा का हवाई जहाज खरीदा जाएगा। एक तरफ कर्ज में डूबी ये सरकार 4.25 लाख करोड़ के, करप्शन, क्राइम और कर्ज से इनका चोली दामन का साथ है, और दूसरी तरफ लाडली बहनाओं के पैसे नहीं दे रहे हैं। ये महिला विरोधी सरकार है मोहन सरकार। मेट्रो प्रोजेक्ट सीएम निरीक्षण और समीक्षा बैठक कर रहे हैं मेट्रो प्रोजेक्ट इंदौर और भोपाल की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब डीपीआर बनी थी मेट्रो की, वो कांग्रेस शासन काल में बनी थी, उसके बाद शिवराज सिंह जी ने उसमें करीब 3000 करोड़ रूपये मेट्रो पे बढ़ा दिए। आखिर ये बोझ पड़ा किस पे? जनता पे पड़ा। फिर मेट्रो का समय सीमा चली गई, इसके लिए दोषी कौन है? आप ही की सरकार है। फिर अधिकारी बदलते हैं और नए नियम, नए कानून, नई संभावनाएं ढूंढते हैं। नए रोज अधिकारी जब बदलते हैं वो उसका अलग से अलाइनमेंट कर लेते हैं। ये अल्टीमेटली क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये सरकार दिशाहीन सरकार है। इंदौर की मेट्रो में परिवर्तन की बातें हो रही है, इसका मतलब करप्शन और कमीशन कैसे बढ़े उसकी बातें हो रही है। 3000 करोड़ रुपए पहले बढ़ाए गए थे मेट्रो में डीपीआर से अलग, अब ये पूरी कवायद उसके बजट को मेट्रो के बढ़ाना और फिर उसमें से करप्शन करना, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने आज की मीटिंग का आयोजन किया है। मुख्यमंत्री जी, करप्शन से निजात लाओ। आखिर अल्टीमेटली ये सरकार का चेहरा करप्ट चेहरा बन चुका है। मेट्रो इंदौर की, इंदौर वासियों को पता है कि सिर्फ डीपीआर बढ़ाना, पैसे बढ़ाना, बजट बढ़ाना, इसके लिए मीटिंग हो रही है। धन्यवाद। हमारी तमाम माहिती थी, अपडेट रहो SNI News साथ।